इमरान प्रताप गढ़ी साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। एक गांव से चलकर राज्यसभा के सदस्य बन गए, शपथ आपने ले ली। मुख्य एजेंडा क्या होगा, कैसे आवाज को बुलंद करेंगे? देखिए, मैं राजनीति में आने से पहले भी आम आवाम के मुद्दे पर सड़क पर लड़ता रहा हूँ पूरे देश में। मैंने अपनी कविताओं में भी सरकार का अस्थाई विपक्ष बन के बात की है, हमेशा जनता के मुद्दे उठाए हैं, उन मजलूमों की आवाज़ बुलंद की है जिन्हें हाशिए पर छोड़ दिया जाता था। मेरा ये काम सदन में भी जारी रहेगा, जो सड़क पे करता था, जो मंचों पे करता था, मेरा प्रयास रहेगा कि उसी मुद्दे को लेकर के मैं सदन में भी खड़ा नजर आऊं। और आज हमने प्रयास किया कि महंगाई के मुद्दे पे बात करे सरकार, लेकिन सभा को जो है स्थगित कर दिया गया, अटेंड कर दिया गया। तो हम घेरेंगे, वो भागेंगे, हम घेरेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार महंगाई पर, अग्निपथ पर, और जो GST खाने पर भी, कुछ दिन में मुझे लग रहा है सांस लेने पर भी GST लगा दें मोदी जी। तो हम इन सारी बातों पर लगातार लड़ते रहेंगे सदन में भी। सियासी अग्निपथ तो आप लोग चल ही रहे हैं, अपनी पथरीली जमीन को समतल करने में तो लगे ही हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इमरान प्रताप गढ़ी मुद्दे क्या उठाएंगे सदन के भीतर, पहला नोटिस क्या देने वाले हैं? देखिए, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ, महाराष्ट्र का बड़ा अधिकार है मेरे ऊपर। महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको हम लगातार जिस पे काम कर रहे हैं। देश में मुद्दे बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर दिशा में, हर क्षेत्र में इतना जनता का शोषण किया है, इतना जनता को दबाने का प्रयास किया है, लोकतंत्र को लूटा है कि मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोकतंत्र की लूट मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अग्निपथ मुद्दा है, लोगों के जमींदोज होते घर मुद्दा है, जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है वो मुद्दा है, लोगों को जबरन जेलों में डाला जा रहा है वो मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हम तमाम मुद्दों पर कोशिश करेंगे कि सरकार को घेरें। उम्मीद यही की जाएगी कि आप उन मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों की राजनीति करके आप यहाँ तक पहुँचे, खासतौर पर जिन मुद्दों को लगातार आप उठाते रहे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के भीतर। सवाल ये है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, कांग्रेस के कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या घर संभाल नहीं पाए आप? नहीं, ED बहुत महत्वपूर्ण है, ED का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। एजेंसियों के दुरुपयोग की पराकाष्ठा देखनी हो तो आप मौजूदा सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए पिछले एक महीने में एजेंसियों का इस्तेमाल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्रॉस वोटिंग या फिर सरकारों की लूट ये सब क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या है। इसके पीछे लोकतंत्र की लूट है, और वो लूट कौन करवा रहा है? सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए मुखिया महोदय नरेंद्र मोदी जी। क्या कांग्रेस की विचारधारा इतनी कमजोर है, इतने डर जाते हैं सांसद विधायक आपके? नहीं नहीं, कांग्रेस की विचारधारा कहाँ कमजोर है। कांग्रेस की विचारधारा कमजोर होती तो 10x10 के कमरे में 60 घंटे बैठने के बाद मुस्कुराता हुआ राहुल गांधी बाहर निकल के आता है, पूरे जोश और जज्बे के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करता है। ये है कांग्रेस की विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा कमजोर नहीं है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर हम लड़ रहे हैं, जो जा रहे हैं। अगर कोई एजेंसियों से डर करके वो भाग जा रहा है तो ठीक है, नए लोग आएंगे, नए लोग आए, पुराने गए, तभी हमने 57 साल बाद ग्वालियर जीता ना। बड़ी आग है आपके सीने में, किस रूप में दिखाई देगी संसद के भीतर? दुष्यंत जी का शेर है कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, तो हम आग जलाए रखेंगे, क्षमा रोशन रखेंगे। थैंक यू।